कब तक बने रहेंगे द बिग डॉग रोमन रेंज, यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉक लेसनर का ऑल इलीट रेसलिंग में जाने का चांस, और WWE का फ्यूचर क्या है? आखिर कैसे WWE ने अपने सुपरस्टार्स पे एक बहुत ही घटिया रूल लगा दिया? अलेक्सा ब्लिस का फ्यूचर और ऑल आउट पेपरव्यू के बाद मैट हार्डी की इंजरी अपडेट, ये और बहुत कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो आप इसे एंड तक देखते रहें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तो गाइज, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया, और स्वागत है आपका आज की इस न्यूज वीडियो में। काफी सारी बड़ी बड़ी अपडेट्स में लेके आया हूं आपके लिए, और हम फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं स्मैकडाउन की रेटिंग से, जो कि हुई थी गाइज सैटरडे को ऑब्वियसली, और इसकी रेटिंग्स आ चुकी हैं और ये है 2.066 मिलियन व्यूअर्स, और ये पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में 3.6% कम हो चुकी हैं, जो कि काफ़ी लोगों को सरप्राइजिंग लगेगा, क्योंकि मुझे ये शो जो है वो डिसेंट लगा था। ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छा लगा या बहुत बेकार लगा, आप लोगों ने मेरा रिव्यू इसके बारे में सुना है। लेकिन ऑब्वियसली इससे पता लगता है कि जो अमेरिकन फैंस हैं वो शायद इस हफ्ते के शो के लिए उतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे, और WWE जो भी आगे फ्यूचर में बिल्ड कर रही है शायद उनको उतना पसंद नहीं आ रहा। लेकिन इसके और भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं, इतने समय से ऐसी रेटिंग्स चल रही हैं और इतना ही हो रहा है, कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है, और ये ओवरनाइट रेटिंग है, अभी फाइनल नंबर नहीं है, जो कि कल आएगा तो शायद हो सकता है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। लेकिन गाइस अभी तक रेटिंग्स हैं 2.066 मिलियन व्यूअर्स। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो आज हुए ऑल आउट पेपर व्यू में हमने देखा कि मैट हार्डी और सैमी गेवारा के मैच में कितनी बुरी फॉल मैट हार्डी को मिली थी, जिसकी वजह से मैच बीच में रोक दिया गया था, उसके बाद वो कंटिन्यू हुआ और मैट हार्डी उसको जीत गए। और इस शो के खत्म होने के बाद AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान बात कर रहे थे मीडिया से, और उन्होंने यहाँ पे रिवील करा कि उनका ये डिसीजन था इस मैच को एकदम से पॉज कर देने का, क्योंकि पहले वो चाहते थे डॉक्टर्स जाके चेक करें मैट हार्डी के ऊपर कि आखिर उनकी कंडीशन क्या है, और अगर कुछ भी ज्यादा सीवियर होता तो ये मैच आगे कंटिन्यू डेफिनेटली नहीं होता। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर्स ने डिसाइड करा मैट पे अच्छे से चेक करके कि वो क्लियर्ड है और वो सही कंडीशन में कि आगे मैच को कंटिन्यू करा जा सके। और ऑब्वियसली मैट हार्डी तो चाहेंगे कि यहाँ पे मैच कंटिन्यू होता, लेकिन उनके हाथ में डिसीजन नहीं था। टोनी खान ने सारी चीजें मेक श्योर करी कि ये सब कुछ सही है, वो एक्चुअली में कम्पीट कर सकते हैं, उसके बाद ही वो हुआ। और उन्होंने बताया कि जबकि मैट शो के बाद बिल्कुल सही फील कर रहे थे, लेकिन तब भी उनको हॉस्पिटल भेजा गया था ताकि उनके ऊपर चेकअप्स हो सके, अगर कोई प्रॉब्लम है ज्यादा तो वो पता लग जाएगी। और यहाँ पे AEW के लिए काफी बेकार सिचुएशन थी, क्योंकि इस मैच में स्टिपुलेशन लगी हुई थी कि अगर मैट हार्डी हारते हैं तो उनको AEW छोड़कर जानी पड़ेगी, और ऑब्वियसली वो चीज भी यहाँ पे नहीं हो सकती थी। और रेबी स्काय जो कि मैट हार्डी की वाइफ है, उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट डाली कि किस तरीके से वो मैट हार्डी को मैसेजेस कर रही हैं, और वो यहाँ पे AEW को बहुत ज्यादा गुस्से में लिख रही हैं कि ये पूरी कंपनी की गलती है कि उन्होंने आज इस मैच को कंटिन्यू होने दिया है, क्योंकि मैट हार्डी को बहुत ज्यादा भी बड़ी चोट लग सकती थी। लेकिन गाइस एट द एंड मैं इतना ही कहूंगा कि मैट हार्डी अभी AEW की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही हैं, उन पे कुछ चेक्स करे जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत सिचुएशन थी कि उस केस में वो मैच कंटिन्यू हुआ। और मुझे लगता है उसके पीछे दो रीजंस थे, ऑब्वियसली क्योंकि डॉक्टर ने उनको क्लियर कर दिया था, और दूसरा क्योंकि इस मैच के ऊपर ऐसी स्टिपुलेशन लगी हुई थी। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं, तो ये चीज काफी ज्यादा उठ रही है मीडिया के अंदर, क्योंकि WWE ने अपनी एक नई पॉलिसी बनाया, एक नया रूल बना दिया है, जिससे सुपरस्टार्स बाकी किसी भी थर्ड पार्टी कंपनीज के साथ नहीं अपनी डील साइन कर सकते गाइस। जैसे कि फॉर एग्जांपल पेज अपना ट्विच पे चैनल चलाती हैं, WWE पेज नाम से वो नहीं हो सकता, AJ स्टाइल्स अपना स्टाइल्स क्लैश नाम से चलाते हैं मिक्सर पे स्ट्रीमिंग चैनल, वो चीज नहीं हो सकती है, और ये चीजें कोई भी सुपरस्टार नहीं कर सकता। और WWE ने रीजन ये दिया है कि जितने भी उनके सुपरस्टार्स हैं सबके WWE वाले नाम वो ओन करते हैं, और अगर ये सुपरस्टार्स बाहर जाके किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई डील साइन करते हैं और यही अपना WWE वाला नाम यूज करके पैसे कमाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं WWE के एंड पे सही नहीं है, और वो शायद उस चीज को नहीं देखना चाहते हैं। और गाइस माना जा रहा है कि WWE बहुत समय से ये चीज लाना चाह रही थी, लेकिन फाइनली जो उनकी ये डिसीजन आई वो और किसी की वजह से नहीं बल्कि लाना की वजह से ही आई, जिन्होंने एक बैंग ड्रिंक नाम की एक प्रोडक्ट की कमर्शियल कर दी अपने इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर। और हमने रिसेंटली देखा कि किस तरीके से मैनस्केप की कमर्शियल कर रहे हैं मुस्तफा अली अपने ट्विटर के ऊपर, पेज जो है वो अपना जैसा कि मैंने कहा पेज WWE नाम से ट्विच चैनल चलाती हैं, जहां उनको डोनेशंस मिलती हैं, अलग अलग स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं, और सेम गोस फॉर AJ स्टाइल्स, और ये सारी चीजें WWE नहीं देखना चाहती। तो ये सारी चीजें गाइस बंद करनी पड़ेंगी, और अभी से पेज ने अपने ट्विच पेज का नाम चेंज करके सराया ऑफिशियल कर दिया है, और लोग सोच रहे थे कि ये नाम वाम चेंज करके सारा सीन सेट हो जाएगा, लेकिन डेव मेल्जर की लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लग रहा है कि ऐसा भी नहीं होने वाला, क्योंकि WWE के अकॉर्डिंग ये जो कंपनी है वो सारे सुपरस्टार के रियल लाइफ नेम को भी ओन करती है, यानी कि अगर पेज अपना रियल लाइफ नेम से भी एक ट्विच अकाउंट बनाती है तो वो चीज़ WWE उनको नहीं अलाउ कर सकते। और ये काफी गाइस फनी बात है, क्योंकि अगर मैं
अपने ऑफ टाइम में स्ट्रीमिंग करना चाहता हूँ कोविड जैसे पीरियड में और मैं WWE का कोई सुपरस्टार हूँ तो भला मेरी कंपनी मुझे वो चीज़ करने से कैसे रोक सकती है। मैं अपने कमरे के कंफर्ट में बैठ के अपने मजे के लिए वो चीज़ कर रहा हूँ। और इसी चीज़ का AEW ने फायदा उठाया और ऑल आउट के अंदर इस चीज़ पे एक शॉट लिया और यहाँ पे हमें बैक स्टेज देखने को मिलता है कि किस तरीके से किप सेबियन और पेनेलोपी फोर्ड अपनी सेगमेंट के टाइम पे एक आगे कार्ड निकालते हैं, एक साइन निकालते हैं जिस पे किप सेबियन के ट्विच अकाउंट का लिंक लिखा होता है और नीचे मैसेज लिखा आता है दिस हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय ऑल इलीट रेसलिंग। और ये डेफिनेटली इस चीज़ के अगेंस्ट ही शॉट था और ये चीज़ काफ़ी बकवास अगर हम सोचें कि भाई एजे स्टाइल्स मज़े करने आते हैं स्ट्रीम पे, वो गेम खेलने आते हैं और लोगों के साथ कुछ बात करने आते हैं, भला WWE को इससे क्या दिक्कत है जब वो नॉर्मली हर हफ्ते जाके अपना परफॉर्म भी कर रहे हैं शोज के अंदर। पता नहीं कभी कभी ये कैसे कंपनीज डील करती हैं अपने बिजनेस में, लेकिन ये है गाइस इस पे लेटेस्ट अपडेट। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो रोमन रेंज है करंट यूनिवर्सल चैंपियन और बहुत इंटरेस्टिंग उनका हील टर्न तो अभी तक लग रहा है, लेकिन कब तक आखिर वो चैंपियन रहेंगे, कब तक यूनिवर्सल टाइटल द बिग डॉग के पास रहने वाला है। लेटेस्ट अपडेट्स के अकॉर्डिंग गाइस ये बात आ रही है wrestlingnews.co की तरफ से और ये बताते हैं कि रोमन रेंज शायद यूनिवर्सल चैंपियन रह सकते हैं अंटिल रेसलमेनिया 37 और इस बार जो उनकी टाइटल रेन रहने वाली है वो एक बहुत लंबी रेन रहेगी। और इतना ही नहीं, ये भी माना जा रहा है कि रोमन के जो माइक के वर्ड्स हैं यानी कि जो प्रोमोज वो कट करने वाले हैं वो कम स्क्रिप्टेड होंगे और उनके कैरेक्टर के लिए उनको फ्रीडम दी जाएगी कि वो अपने आप को कैसे बुक करना चाहते हैं, कैसे दिखाना चाहते हैं टीवी के ऊपर शोज में। और ये चीज़ बहुत अच्छी है क्योंकि यही चीज़ हम रोमन रेन से चाहते हैं कि अगर उनको थोड़ी सी फ्रीडम दे दी जाए और जो वो बनना चाहते हैं एक्चुअली में वो उनको बनने दिया जाए तो रोमन रेन्स डेफिनेटली WWE के टॉप स्टार बन सकते हैं। और इसी चीज़ पे गाइस क्रिस जेरिको से भी पूछा गया था कि उनका क्या यहाँ पे टेक है रोमन रेन्स के हील टर्न के रिगार्डिंग, तो उन्होंने भी इस चीज़ को प्रेज करा और बोला कि रोमन का ये मूव बहुत बढ़िया है WWE की तरफ से क्योंकि उन्होंने पॉल हेमन जैसे इंसान के साथ अपने आप को अलाइन करा है। बस वो कहते हैं इतना ही अब करना है कि रोमन को एक फ्रीडम दो और जितना बड़ा वो अभी स्टार है इससे भी ज़्यादा बड़ा स्टार बन जाएगा। तो क्रिस जेरिको के पास भी और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ तारीफ है इस समय रोमन रेन्स के कैरेक्टर के लिए और ये चीज़ सुन के काफ़ी अच्छी लगती है। तो रोमन रेन्स के लिए जितने भी लोग अवेट कर रहे थे, सोच रहे थे कब तक वो चैंपियन रहेंगे, यू आर इन फॉर अ वेरी लॉन्ग राइड क्योंकि वो रेसलमेनिया तक भी अपना टाइटल जो है वो रिटेन कर सकते हैं। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस तो रे मिस्टीरियो ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक अपडेट डाली जहां पे उन्होंने बताया कि वो अपनी टॉर्न ट्राइसेप की इंजरी से रिकवरी कर रहे हैं और किसी डॉक्टर के पास बैठे हुए हैं, वो इंजेक्शन वगैरह उनको लग रहे हैं और यहाँ से क्लियरली ये पता लगता है कि वो अभी रिहैब में है और अभी वो वापस नहीं आने वाले जल्द। और ये माना जा रहा है कि लगभग 2 से 3 महीने और लग सकते हैं रे मिस्टीरियो को वापस आने के लिए। तो तब तक क्या रहेगा डोमिनिक का सीन, क्या रहेगा सेथ रॉलिंस का सीन, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, लेकिन कुछ समय अभी रे मिस्टीरियो को लगेगा अपनी टॉर्न ट्राइसेप इंजरी से रिकवर करने के लिए। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस तो अलेक्सा ब्लिस की सेगमेंट हमें देखने को मिली थी स्मैकडाउन पे विद निकी क्रॉस और उस सेगमेंट में अगर आपने नोटिस करा हो तो बैक स्टेज बिहाइंड द सीन हमें देखने को मिला था, शायद रैम्बलिन रैबिट था या फिर कोई पपेट था ब्रे वायत का जो कि हिल रहा था बैकग्राउंड के अंदर और वो क्लियरली एक साइन था कि जो शायद अगले हफ्ते ब्रे वायत रिवील करने वाले हैं जो उनका नया मेंबर होने वाला है जो कि ज्वाइन करेगा फायरफ्लाई फनाउस को, वो और कोई नहीं बल्कि अलेक्सा ब्लिस होने वाली है। और इस पे थोड़ा सा और हमें हिंट मिला, अपडेट मिला है क्योंकि अलेक्सा ब्लिस आई थी टॉकिंग स्मैक के रिसेंट एपिसोड में और वहां पे उनसे पूछा गया था कि क्या उनके फीड के साथ कुछ रिलेशन है या फिर कुछ चल रहा है। अलेक्सा ने काइंड ऑफ हाँ बोला और उसके बाद जेवियर वुड्स चाहते थे कि वो थोड़ा और इस पर इलेबोरेट करें, लेकिन ऐसा लगता है कि अलेक्सा ने बिल्कुल बात ही बदल दी और वो कहती हैं कि हाँ मुझे तुमसे बात करके अच्छा लगा, मैं यहाँ से जा रही हूँ, हम कभी और बात करेंगे और वो बेसिकली वहाँ से चली जाती हैं। तो उन्होंने कुछ खास नहीं बताया लेकिन हिंट्स बहुत सारे WWE दे रही है और अभी मैं आपको इतना 100% बता सकता हूँ कि हाँ ब्रे वायत और अलेक्सा का कुछ ना कुछ रिलेशन है, तो अगले स्मैकडाउन के लिए रुकना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा और देखने को फाइनली हमें मिल जाएगा कि आखिर इन दोनों के बीच का क्या लिंक है। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस तो जॉन मॉक्सली भी MJF के साथ अपना मैच जीतने के बाद और AEW टाइटल को रिटेन करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे और उनसे पूछा गया यहाँ पे रेने यंग के बारे में कि क्या वो हमें फ्यूचर में ऑल इलीट रेसलिंग में देखने को मिल सकती हैं या फिर जॉन मॉक्सली की साइड में वो आ सकती हैं। और सरप्राइजिंगली इस बात को जॉन मॉक्सली ने मना नहीं करा और उन्होंने बताया कि रेने यंग के WWE कॉन्ट्रैक्ट में एक नॉन कम्पीट क्लॉज है यानी कि वो अभी किसी भी रेसलिंग कंपनी के साथ साइन तो नहीं कर सकती हैं, लेकिन जब वो खत्म हो जाएगा तो उनको लगता है कि हाँ रेने यंग शायद रेसलिंग में ही बनी रहेंगी, जबकि उनको बहुत सारे और बड़े बड़े ऑफर मिल सकते हैं, अलग अलग शोज वो होस्ट करने की उनकी ड्रीम है, लेकिन अगर वो रेसलिंग में आती हैं तो AEW में आने का उनका
चांस काफी ज्यादा है। और मॉक्सली ने ये भी बोला कि उनको नहीं लगता कि अगर वो आती हैं AEW में तो वो उनकी साइड आएंगी या फिर उनके मैनेजर की तरह आएंगी, क्योंकि वो अपने आप में कितनी बड़ी कैपेबिलिटी रखती हैं कि उनको अपने आप से एक रोल दिया जा सकता है, एक बड़ा रोल जो कि वो खुद निभाएं। तो काफी ज्यादा चांस है गाइस, और जॉन मॉक्सली सबसे क्लोजेस्ट सोर्स हो सकता है रेने यंग के पास, और उन्होंने इतनी बड़ी बात बता दी तो डेफिनेटली रेने यंग टू AEW इज अ पॉसिबिलिटी। और आज की फाइनल स्टोरी में हम बात करते हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में, क्योंकि जब से ये न्यूज आई है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया WWE के साथ, पता नहीं क्या क्या रूमर्स आए जा रहे हैं। और क्रिस जेरिको से भी ये बात पूछी गई थी कि क्या ब्रॉक लेसनर AEW में आ सकते हैं या फिर नहीं, और उन्होंने यहाँ पे एक बहुत सेंसिबल आंसर दिया और उन्होंने बोला कि भाई देखो, मुझे नहीं लगता विंस मैकमैन कभी ब्रॉक को जाने देंगे। अगर AEW उनको 100 मिलियन ऑफर कर रही है फॉर एग्जांपल, तो विंस मैकमैन 200 मिलियन निकाल के ले आएंगे, क्योंकि ब्रॉक लेसनर एक ऐसा सुपरस्टार है, एक ऐसा एसेट है WWE के लिए जिसको विंस कभी नहीं जाने देंगे, स्पेशली AEW में तो बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। और वो कहते हैं मुझे नहीं लगता कि विंस कभी भी अब ब्रॉक को WWE से UFC में भी जाने देंगे। तो सिंपल सी उनकी बात यह है कि AEW में अगर ब्रॉक लेसनर आते हैं तो ऑब्वियसली वो उनको वेलकम करेंगे, लेकिन जो फिगर्स ब्रॉक लेसनर को पे करने वाली होती हैं वो डील इतनी इजी नहीं होती नेगोशिएट करने की। और वो ये भी कहते हैं कि मेरा कभी ब्रॉक के साथ टीवी पर मैच नहीं हुआ है, तो मैं डेफिनेटली चाहूंगा ब्रॉक लेसनर के साथ काम करना। लेकिन जेरिको के वर्ड्स से तो क्लियरली ऐसा ही लग रहा है कि AEW में ब्रॉक लेसनर का आने का कोई चांस नहीं है। और इसी के साथ जुड़ी हुई है एक छोटी सी और अपडेट गाइस रिगार्डिंग ब्रॉक लेसनर्स फ्यूचर इन WWE, कि कब तक वो वापस आ सकते हैं। और ये माना जा रहा है कि दो ही ऐसे शोज थे जहां पे ब्रॉक को वापस लाने में अभी WWE का कोई फायदा है। एक हो सकता था सऊदी अरेबिया का शो जो कि इस साल होने नहीं वाला, और दूसरी है रेसलमेनिया 37। तो काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी कि अब सीधा ही हमें ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया 37 में देखने को मिले। और गाइस दो अपोनेंट माने जा रहे हैं जो कि उनके हो सकते हैं उस शो के लिए। पहला होगा टाइसन फ्यूरी, जिसका मुझे लगता है कि चांस बाद में ही पता लगेगा कितना ज्यादा है। और दूसरा और थोड़ा ऑब्वियस चॉइस है कि जो भी उस समय पे WWE चैंपियन होगा, यानी कि रैंडी ऑर्टन हो सकते हैं, ड्रू मैकइंटायर हो सकते हैं, जो भी WWE चैंपियन होगा उसके अगेंस्ट लेसनर का मैच किया जा सकता है। और जैसा कि मैंने कहा गाइस, इस समय WWE को लेसनर को वापस लाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितने पैसे वो ब्रॉक लेसनर को देंगे उससे खास ही वो कुछ बना पाएंगे वापस, और इस चीज के लिए वो उनके लिए इस समय एक अच्छा बिजनेस डिसीजन नहीं है। तो गाइस ये थी आज की सारी अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहें, कल मंडे नाइट वॉर्स का अगला एपिसोड आने वाला है। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।